मैं डॉक्टर सुभद्रा कुमारी जीजीआईसी सैयद राजा से, जो बच्चे 10वीं कक्षा में संस्कृत विषय लेंगे वो मेरे साथ संस्कृत व्हाट्सएप ग्रुप में ऑनलाइन शिक्षण के माध्यम से पढ़ेंगे। और आज से हम लोग का ऑनलाइन शिक्षण प्रारंभ हुआ है। सभी छात्राओं का मैं इस ग्रुप में स्वागत करती हूँ और नए सत्र की बधाई देती हूँ। सभी खूब मन लगा के पढ़ें। आज पहला पाठ हम लोग पढ़ेंगे संस्कृत में। तो सबसे पहले बच्चे जो भी पढ़ेंगे तो दीक्षा पोर्टल से ऑनलाइन जो 10वीं कक्षा की पुस्तक है वो डाउनलोड कर लेंगे, और जो भी पाठ मुझे पढ़ाना होगा उसकी अग्रिम सूचना मैं व्हाट्सएप के माध्यम से बच्चों को दे दूंगी और फिर उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। आज जैसा कि हमारे संस्कृत की परंपरा रही है, किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण पढ़ा जाता है, उसका पाठ किया जाता है। हमारी पुस्तक में भी, जो पुस्तक हमारी पाठ्य पुस्तक है, उसमें भी सबसे पहले मंगलाचरण ही दिया हुआ है। उस मंगलाचरण को हम पढ़ेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग अपनी पुस्तक से थोड़ा परिचित हो जाए। संस्कृत की जो पुस्तक हम लोग को विद्यालय में पढ़नी है, एनसीईआरटी की पुस्तक है, इसमें जो पूरा पुस्तक दिया गया है वो चार खंडों में विभाजित है। पहला है गद्य, पद्य, नाटक और व्याकरण, और सभी में से बोर्ड में प्रश्न आने हैं। सबसे पहले मंगलाचरण क्या है, यह उत्सुकता होगी कि मंगलाचरण आखिर क्यों किया जाए, तो इसके बारे में थोड़ा सा मैं संक्षिप्त में बताती हूं, क्योंकि आज सबसे पहले हम लोगों को शुरुआत करनी है जो कि मंगलाचरण से ही होता है। हमारे जो आचार्य हैं, संस्कृत के विद्वान हैं, उन लोगों ने यह परंपरा बनाई है कि किसी भी कार्य की शुरू से लेके अंत तक निर्विघ्न समाप्ति हो तो मंगलाचरण का पाठ सबसे पहले शुरू में करना चाहिए। यह मंगलाचरण तीन प्रकार का होता है, उसको मैं बोर्ड पे लिख रही हूं, कॉपी पे तुम लोग भी इसको लिख लो। पहला आशीर्वादात्मक मंगलाचरण, दूसरा नमस्कारात्मक मंगलाचरण, और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण। के तीन भेद होते हैं, पहला आशीर्वादात्मक, दूसरा नमस्कारात्मक और तीसरा वस्तु निर्देशात्मक। अब हम लोग मंगलाचरण का पाठ सीखेंगे, सभी ध्यान से सुनो। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्ष गुं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वः देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः, शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधि, ॐ शान्तिः 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 ॐ। यह मंगलाचरण यजुर्वेद से लिया गया है। अब इसका अर्थ हम लोग देखेंगे।
हम लोग कठिन शब्दों के अर्थ देखेंगे। शब्दार्थ द्यौ, द्यौ अर्थात स्वर्ग, आपह, आपह अर्थात जल, औषधयः, औषधयः अर्थात औषधियां दवाइयां, वनस्पतयः, वनस्पतयः अर्थात वनस्पतियां पेड़ पौधे, विश्व देवा अर्थात संपूर्ण विश्व के देवता। ये जो शब्दार्थ हैं, इनको अपनी कॉपी पे लिख लेना है और कंठस्थ कर देना है। जब शब्दार्थ याद रहेगा तभी पाठ हम आसानी से समझ सकेंगे और उसका अर्थ लगा सकेंगे। और इसका उच्चारण ध्यान से कम 5-5 बार बोल के आप लोग करेंगे। ऐसा करने से मंत्र पढ़ने में आसानी होगी और आपको बोलने में कोई भी कठिनाई नहीं होगी। अब हम लोग इसका अर्थ देखेंगे। जो आप लोगों ने मंगलाचरण लिखा है उसको सामने खोल लीजिए, मैं उसका अर्थ बताती हूँ, ध्यान से सुनिए। ओम द्यौः शांति अर्थात स्वर्ग में शांति हो, अंतरिक्ष गुम शांति अर्थात अंतरिक्ष में शांति हो, पृथ्वी शांति अर्थात पृथ्वी में शांति हो, आपह शांति जल में शांति हो, औषधयः शांति औषधियों में शांति हो, वनस्पतयः शांति वनस्पतियां अर्थात पेड़ पौधे शांति प्रदान करें, विश्व देवाः शांति संपूर्ण विश्व के देवता हमें शांति प्रदान करें, ब्रह्म शांति अर्थात ब्रह्म में शांति हो अर्थात ब्रह्म हमें शांति प्रदान करें, सर्वम शांति सभी में शांति हो संपूर्ण शांति हो, शांतिरेव शांति ही सामा शांति रेधि अर्थात चारों ओर से शांति ही शांति हो। इस प्रकार से इस मंगलाचरण का अर्थ हम लोगों ने देखा और अब इसको आप लोग कंठस्थ करेंगे, शब्दार्थ याद करेंगे और मंत्र का बार बार उच्चारण करेंगे जिससे आपको यह पढ़ने में सुविधा हो। धन्यवाद।